गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विजेंद्र विक्टर है। डी मल्टी कोच चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोग टॉपिक लेके आए हैं एब्सोल्यूट इज़ोफिल काउंट फार्मूला। तो जैसे देखा होगा आप लोगों ने, अक्सर डॉक्टर जो होते हैं प्रिस्क्रिप्शन करते हैं कि ए ई सी टेस्ट। तो ये एब्सोल्यूट इज़ोफिल काउंट है या एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट मान सकते हैं या एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट ऐसे करके मान सकते हैं, ठीक, एब्सोल्यूट मोनोसाइट काउंट मांग सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है एब्सोल्यूट इज़ोफिल काउंट? जैसे एग्जांपल लेते हैं, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, ना? एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण। पूरा इज़ोफिल काउंट कितना, मतलब उनका कहने का मतलब है कि पूरा इज़ोफिल कितना है हमारे शरीर में, उसकी एग्जाम्पल लेते हैं, उसके लिए मांगा जाता है। तो इसका फार्मूला क्या है? सभी लैब टेक्नीशियन जो लोग हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं अपनी लैबों में, तो ये सब टेस्ट आ जाता है तो बाहर किसी डॉक्टर के यहाँ भेज देते हैं करने के लिए, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती कि एब्सोल्यूट इज़ोफिल काउंट कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सा है, तो दिखाते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या है, तो पहले हम बताते हैं। जैसे आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट लिया होगा, मान लीजिए आपने हाई स्कूल में 90% मार्क्स लाए होंगे, ठीक है, 10th में आपने 90% मार्क्स लाए होंगे, ठीक है, और ये हमारा था परसेंट, और पूर्णांक था जो आप मान लीजिए हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं, 600 में था ना, एग्जांपल के लिए 600 था, उसमें 90% नंबर लाए हैं, तो आपने टोटल कितने नंबर लाए हैं, कैसे करते थे? 600 × 90 / 100, 0 0 कट गया, 9 × 54 = 540, मतलब आपने 600 में 540 नंबर लाए हैं। इसी तरह हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट इज़ोफिल काउंट कैसे करते हैं। एग्जांपल है आपका जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मान लीजिए एग्जांपल है 10,000, ठीक है, उसमें जो है कि न्यूट्रोफिल जो है 70% है, मोनोसाइट जो है 2% है, ठीक है, इज़ोफिल 6% है या 7% कर देते हैं, और लिम्फोसाइट जो है 23% है, बेसोफिल जो है 0 है, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए एब्सोल्यूट इज़ोफिल काउंट, तो एब्सोल्यूट इज़ोफिल काउंट कैसे करेंगे? सिर्फ यही फार्मूला के साथ, ये इज़ोफिल आपका 7% है, तो 10,000 × 7/100। अब इसमें कैसे करेंगे हम लोग, 0 से 0 कट गया, 100 बचा, 100 × 7 = 700, तो आपका एब्सोल्यूट इज़ोफिल काउंट हो गया 700 per μL या पर क्यूबिक मिलीमीटर। आप लोगों ने देखा होगा टीएलसी की नॉर्मल लेंथ क्या होते हैं, पर μL होता है, या हम लोग इसी दूसरी वर्ड में बोलते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर, या हम लोग इस तरह इसे डिफाइन करते हैं, मिलीमीटर का क्यूब, ठीक। तो आपका टीएलसी जो था 10,000 per μL था, तो आपका इज़ोफिल काउंट 7% था, मतलब इज़ोफिल कितना है आपका 700 per μL। तो नॉर्मल क्या होता है, हम लोग का इज़ोफिल 2 से 6% तक होता है, ये 1% बढ़ा हुआ है, तो इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट इज़ोफिल काउंट है। अगर किसी ने बोल दिया एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट निकालने के लिए, तो हम इसको 70 कर देंगे, यहाँ पे मोनोसाइट बोला तो जहाँ 7 लिखा उसको 2 कर देंगे, इसी तरह, मतलब एग्जांपल है ये। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।